तेनालीराम और लालच। एक बार राजा ने तेनालीराम से प्रसन्न होकर उसे एक परात स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, किंतु यह शर्त लगा दी कि तेनालीराम स्वयं इस परात को लेकर बाहर जाएगा। पगोदा भरी परात बहुत भारी थी। दरबारी मन ही मन हंसे कि बेचारा तेनालीराम कैसे यह परात बाहर ले जाएगा। तेनालीराम परात के पास जाकर उसका निरीक्षण करने लगा। सहसा उसने अपनी पगड़ी खोलकर फर्श पर बिछा दी। 3/4 स्वर्ण मुद्राएं पगड़ी में रख बाकी अपनी चोगे की जेबों में भर ली। पगड़ी की गठरी बना पीठ पर लाद और थाली को सर पर रखकर वो बाहर की ओर चल दिया। राजा ये सब देखकर वाहवाह करने लगे। तेनालीराम ने पीछे मुड़कर देखा तो चोगे की जेब से स्वर्ण मुद्राएं निकलकर गिर पड़ी। तेनालीराम गठरी वही रख स्वर्ण मुद्राएं उठाने लगा तो पुरोहित बोला, कितना लालची है तेनालीराम, एक परात भर स्वर्ण मुद्राएं मिली, 2-4 गिर गई तो कितना परेशान हो रहा है। दरबारी भी मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता वो रही, कोई कहता ये रही। तेनालीराम भागा फिर रहा था, स्वर्ण मुद्राएं बार बार गिर रही थी। मंत्री ने राजा से कहा, इतना लालची आदमी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। सम्राट भी ये सब तमाशा देख रहे थे। जब सहन न हुआ तो तेनालीराम से कहा, अब बस करो तेनालीराम, तुम्हें परात भर स्वर्ण मुद्राएं क्या कम हैं जो 2-4 के लिए इतने व्याकुल हो। तेनालीराम बोला, ये बात नहीं है अन्नदाता, इन सभी मुद्राओं पर आपका नाम और चित्र बना है, इनकी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाएगी, किसी पर पैर पड़ेंगे और कोई बुहारू में होगी। सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोला, तेनालीराम को एक परात और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, दोनों परातों को तेनालीराम के साथ कर दिया जाए। दरबार में तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाले और जल गए।